एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं अपनी दिवाली सफाई किस तरह से कर रही हूँ और मैंने क्या क्या साफ किया है, क्योंकि मैं अभी गणपति के टाइम मैंने अपने घर को पूरा अच्छे से क्लीन किया था, डीप क्लीन किया था, बट फिर भी घर में बहुत गंदगी हो ही जाती है क्योंकि मेरा घर है ऑन रोड पे, तो मुझे धूल गर्दा यहाँ पे घर पे बहुत आता है। इसलिए मैंने फिर से अपने घर की है डीप क्लीनिंग, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चाहें तो आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने घर के पर्दों को वॉश नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक महीने पहले ही वॉश किया था, तो इसलिए मैंने उन्हें वॉश नहीं किया है। बाकी मैं सफाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं अपनी दिवाली सफाई के लिए सबसे पहले अपनी एसी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एसी बहुत दिनों से चला नहीं है, बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने एसी को अच्छे से निकाला है, उसका आगे का जो कवर होता है। और ये काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छे से कर लेंगे, इसलिए उन्होंने बोला मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले उसमें जितना भी गर्दा था वो सूखे कपड़े से पोंछ रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसे गीले कपड़े से पोंछेंगे, और फिर जो इसका एक फ़िल्टर होता है वो ले जा करके वॉशरूम में अच्छे से क्लीन करेंगे, जिससे कि उसकी जितनी भी धूल डर्ट है वो निकल जाएगी। मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पर बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं कि एसी के फ़िल्टर को आप घर में किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये देखिए, इस तरह से ये सूखे कपड़े से अंदर हाथ डाल डाल के अच्छे से साफ कर रहे हैं, जिससे कि वो क्लीन हो जाए। देखिए साइड में जो विंग्स होते हैं वो भी कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो उसे भी सूखे कपड़े से पहले पोंछ रहे हैं। और ये देखिए पीहू बार बार आगे जा रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ बट वो मान नहीं रही, अब वो आप लोगों को हाय कर रही है। और आप लोग बताइए, आप लोग के घर की सफाई कितनी हो गई, क्या क्या आप लोगों ने किया है? मैंने पहले भी इस वो घर की सफाई के लिए दो वीडियोस पहले भी मैंने डाले हैं, क्या वो आप लोग ने देखे? नहीं देखे तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए कितना अच्छा फ़िल्टर साफ़ हो गया है, ये बाथरूम में अच्छे से इन्होंने पानी से धो करके क्लीन किया है। तो सबसे पहले मैं हॉल वाले कमरे में आ गई हूँ और मैंने उठाई है अपनी झाड़ू, और मैं सब तरफ के जाले झाड़ती हुई चलूँगी, जिससे जितना भी धूल डर्ट गर्दा और मकड़ी के जाले होंगे वो सारे ही नीचे गिर जाएंगे और पूरी डस्ट आ जाएगी नीचे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और देखिए मैं भी मकड़ी को मार रही हूँ, कोई मकड़ी मुझे दिख गई थी शायद, तो बस मैंने देखिए चारों तरफ झाड़ना स्टार्ट किया है। तो मैंने जाला यहाँ झाड़ लिया है और अब जाला झड़ चुका है, तो सारी डस्ट नीचे आ गई है। अब मैंने यहाँ पे वाईफाई रखा है, उसको भी झाड़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि सारा जाला जो है वो डस्ट है वो एसी के ऊपर आके गिर गई है। और ये देखिए यहाँ पे जो मैंने साइड में ये ग्रीन कलर का ये टांग रखा था अपने रूम पे, वो भी बहुत गंदा हो गया था, और जो अपने गेट मेन गेट पे बंधनवार लगाया था वो भी बहुत गंदा था, तो मैंने साबुन के पानी में इसको भिगो दिया है। अब मैं सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, आगे हॉल वाले कमरे की ही पहले मैं सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं बेडरूम में करूँगी, एक एक कमरे को करके करूँगी तो आराम रहेगा। यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली है, और देखिए अब मैंने स्कॉच ब्राइट वही जो रगड़ने वाला होता है उसको मैंने थोड़ा सा सोप लगाया है, और जहाँ जहाँ पर मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो मैं रगड़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो बहुत टाइम से मैं रगड़ रही हूँ, वो साफ़ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग इस फ्लैट में आए अपार्टमेंट में तो वो बहुत टाइम से गंदा रहा होगा, इसलिए वो साफ़ नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा रगड़ा है बट नहीं हुआ, फिर मैंने इसको गीले पोछे से पोछना मतलब स्टार्ट कर दिया है, पोछा लगाना स्टार्ट किया है।
तो मैं सारी टेबल चेयर हटा हटा के उसके नीचे से जा जा के मैं पोछा लगा रही हूँ, जिससे कि कोई भी धूल यहाँ ना रह जाए। और ये मैं इधर फिर से इधर रगड़ रही हूँ डोर के पास पे। यहाँ पीहू देखिए क्या कर रही है, वो सोच रही है, वो वीडियो बना रही है, तो वो फिर अपना बोल रही है कुछ कुछ। और ये फिर मैं इधर अगेन रगड़ रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे काला दिख रहा है वो मैं रगड़ रही हूँ, बट वो साफ़ नहीं हो रहा है, बहुत कम ही साफ़ हुआ है। और मैंने उधर अपना सारा बिस्तर उठा के रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन में गद्दे बिछे थे, तो वो मैंने उधर निकाल के रख दिया है। अब मेरा पूरा कमरा साफ़ हो चुका है, मैंने यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने रूम की सेटिंग चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज ही जीवन की, मतलब अच्छा लगता है जीवन में कुछ कुछ चेंज करते हैं और लाइफ में तो कुछ अच्छा लगता है। तो बस मैंने क्या सोचा कि जिधर मैंने गद्दे ज़मीन में डाल रखे थे उधर मैं डाइनिंग टेबल कर देती हूँ, और जिधर डाइनिंग टेबल था वहाँ पर मैं गद्दे कर दे रही हूँ ज़मीन पर ही। तो बस मैंने डाइनिंग टेबल खिसकाना स्टार्ट किया है, जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं दूसरी साइड में गद्दे डालूंगी, और फिर देखिएगा कि फाइनल लुक कैसा लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ और ब्लॉग्स देखने के लिए। और हाँ, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वरना फिर आपको मेरे आने वाले नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर गद्दा डाल दिया है, और अब पीहू मेरी यहाँ पर हेल्प कर रही है, वो बोल रही है वाओ मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, और अब आप ये ले लो मम्मा ये ले लो। अभी देखिएगा आप, वो मुझे आगे पिलो देगी, टैडी देगी। अब मैं गई हूँ दूसरी बेडशीट लेने के लिए, उसको मैंने मशीन में रख दिया है, और मैं दूसरी बेडशीट ला करके इस पर बिछा रही हूँ। तो मैंने अपना पाम ट्री भी यहाँ पे सेट करके लगा दिया है, और अब आप बताइएगा कि आपको मेरा ये रूम, मेरी जो सेटिंग मैंने की है, वो कैसी लग रही है। और ये देखिए, ये है कुछ ओवरलुक मेरे रूम का। सेटिंग चेंज करने से ही देखिए रूम में कितना चेंज आ गया, और ऐसा लग रहा है कि मतलब नया रूम है, नई सेटिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर पेड़ पौधों को इंक्लूड करिएगा, उससे आपके घर का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। अब मेरा रूम ये साफ़ हो चुका है, और ये देखिए जो मैंने भिगो करके रखा था सर्फ़ के पानी में, ये भी साफ़ हो गया है। अब मैं इसे साफ़ पानी से धुल करके सुखाने के लिए रख दूँगी, और फिर इसे जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं रूम में फिर इसको लगा दूँगी। तो अभी ये मैंने नहीं लगाया है, वो रखा हुआ है सूखने के लिए। अब मैंने सारे जितने पीहू के टैडी थे वो मैंने मशीन लगाई है, जिससे कि इसके सारे टैडी धुल जाए। तो सबसे पहले मैं सब इसके टैडी ही धुल रही हूँ, जिससे कि वो साफ़ पानी में अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और दो अभी वेटिंग बैठे हुए हैं पीहू के टैडी, अभी उनको भी धुलना है। मैंने दो थोड़े थोड़े ही करके मैं डाल रही हूँ, ये देखिए ये दो बैठे हुए हैं, अभी इनको भी वॉश करना है। तो पीहू ने इसमें डाल दिया, फिर मैंने उसे निकाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भर जाती, तो उसने खेल खेल में डाल दिया था, मैंने निकाल दिया उस टैडी को। सेकेंड राउंड में वो टैडी डालूंगी। अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, मैंने एक रूम कल साफ़ किया था और आज नेक्स्ट डे है। आज मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, तो मैंने अगेन सबसे पहले सारे जाले झाड़ लिए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता दिया है। तो मैंने सारे जाले झाड़ लिए हैं, और अपना पंखा भी झाड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नीचे डर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, डस्ट, और नीचे आपको ऊपर एकदम साफ क्लीन दिख रहा होगा। तो जाला झाड़ने के बाद अब मैं सबसे पहले अपने बेड को झाड़ूंगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है, मतलब कि डस्टिंग कर लूँगी। और अब बारी आती है विंडो की। तो मैंने विंडो पे देखिए यहाँ पे भी बहुत गर्दा आ गई थी, डस्ट आ गई थी, तो मैंने कपड़े से पहले मैंने झाड़ू से झाड़ दिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और अब मैं उसी कपड़े से सारा पोंछ करके निकाल रही हूँ, कि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। तो बस इस तरह करने के बाद अब मैं यहाँ पर रॉड को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। मुझे डर तो लग रहा था, बट मैंने बहुत केयरफुली रॉड को पोंछा है, क्योंकि उस पर भी धूल गर्दा गिर गई थी। और इसके बाद फिर मैं बेड के पीछे जितना भी कचरा होगा वो
निकालूंगी क्योंकि बेड के पीछे जल्दी से सफाई नहीं होती है। हम हफ्ते 10 दिन में ही बेड के पीछे साफ़ करते हैं, तो देखिए हफ्ते भर में ही कितनी ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और पीहू ने इसके पीछे बहुत कुछ कुछ गिरा रखा है, और ये देखिए ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी मैं सब इसी तरह किनारे किनारे से मैं सारी गंदगी निकाल लूँगी। तो अभी हम लोग पेंट का तो नहीं सोच रहे हैं घर में, तो मैंने क्या किया, अपना पोछा लेकर के ही सारी दीवार को अच्छे से पोछ दिया है, जिससे कि वहाँ जो धूल गिरी हो, जो गंदगी हो, वो भी साफ़ हो जाए। तो मैं इसलिए कपड़े लेकर के उसको पोछ रही हूँ, विंडो के आसपास पोछ रही हूँ। विंडो के ग्लास को मुझे पोछना है क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, तो बारिश के जितने दाग धब्बे होते हैं पानी के, वो बहुत ज़्यादा पड़ गए थे और उसमें धूल आकर के चिपक गई थी। तो अब मैंने कपड़े को धुल लिया है और अब मैं उसी कपड़े से अच्छे से ग्लास को पोछूंगी, पहले आगे की तरफ फ्रंट में, फिर बैक की तरफ, दोनों साइड में उसको अच्छे से पूरे ग्लास को साफ़ कर लूँगी। और मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर को भी कॉटन कागज़ के कपड़े से पेपर से पोछा है, पेपर में पानी डाल करके मैंने उसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी घर में सफ़ाई की हैं, जैसे मैंने वॉशरूम के सारे वो जाले साफ़ किए हैं। और ये देखिए पीहू यहाँ पे क्या कर रही है, वो मेरी एक्टिंग मेरी ही नकल करके सफ़ाई कर रही है। हाँ, तो अब मैंने बेडशीट चेंज नहीं किया है, बेडशीट मैं कल चेंज करूँगी और सुबह चेंज कर दूँगी। और अभी मैं पिलोज चेंज कर दे रही हूँ, छोटे वाले कुशन के भी मैंने कवर चेंज कर दिए हैं। और अब बस मैं सुबह उठूँगी और अपना जब सुबह उठेंगे तो हम लोग अपनी बेडशीट भी मैं चेंज कर दूँगी। तो मैंने बताया आपको कि मैंने अपने बेडशीट बाथरूम के भी क्लीन कर लिया है, अच्छे से सफ़ाई हो गई है, जाले झड़ गए हैं। और ये देखिए, ये कुछ फाइनल लुक है मेरे बेडरूम का। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइट भी जला दी है, ये लाइट रात में जलती है तो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताइएगा आपको मेरा ये रूम मैंने क्लीन किया तो कैसा लग रहा है। और अब बचा है बस मेरा किचन क्लीनिंग, तो वो मैं किसी और दिन करूँगी और फिर उसका वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर बना के डालूँगी। तो चलिए फिर इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं पे फिनिश होता है दिवाली क्लीनिंग का। मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Close till I get up. Time is barely on us.